तो बच्चों स्वागत है सोभित सर की ज्ञानशाला में। ये सोभित सर की नहीं, ये तो आपकी ज्ञानशाला है। तो इसी के साथ मैं कुछ यूनिक लेके आया हूँ आज। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि असफलता हमें यही सिद्ध करती है कि सफल होने का प्रयास 100% नहीं दिया गया है। तो आज हम कुछ प्रयास करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। मल्टीप्लीकेशन कुछ यूनिक तरीके से लेके आया हूँ, टाइम बचेगा तो सीखो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। गुणा, मल्टीप्लीकेशन का यूनिक मेथड लेके आऊँ आपके लिए, उसको समझो, समझ रहे हो। चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने मान लिया 12 32, क्या लिया 12 32, और मुझे इसकी गुणा करनी है 12 गुणा 32। जैसे 32 11 12 11 मुझे गुणा करनी है इसकी, तो मैं कैसे करूँगा ध्यान से देखो। 12 32 की गुणा सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद कैसे करते हैं देखो। 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3 2 6 और 2 1 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 6 करा आपने, 6 को मन में रखो, और 2 1 2 करा उसको मन में रखो, तो 6 और 2 8 हो गया ना, उस 8 को यहाँ लिख लो। और उसके बाद अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, 3 1 3 आंसर आ गया। कितना आसान है। एक सवाल और लेता हूँ जिससे आपको ये आसान और लगने लगे। मान लो मैंने लिया 23 और 23 की गुणा करी 13 से। पहला स्टेप, सबसे पहले इस तरह से गुणा कर दो, 3 3 9, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, वो भी दिमाग में, 3 2 6 1 3 3, 3 2 6 1 3 3। अब ये जो 6 है और ये जो 3 है, 6 और 3 मिल गए, जुड़ गए, तो 6 और 3 मिलके क्या हो गया 9। अब लास्ट स्टेप 2 1 2, कितना आसान हो गया। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बिना पेन के दिमाग से एक बार करके देखते हैं। 2 सेकंड में कर दोगे, 2 सेकंड में। देखो ध्यान से इसी सवाल को लेता हूँ, 23 13 को दिमाग से सोचो। सबसे पहले 3 3 3 9 आ गया, आ गया भैया 9 आ गया, उसको लिख लो। अब ये दिमाग में बहुत तेज है, देखो ध्यान से, 3 2 6 ऐसे सोचना है, 3 2 6 हो गया, 1 3 3 हो गया, तो 6 और 3 हो गया 9, और उसके बाद लास्ट स्टेप 2 1 2 हो गया। कितना आसान है, विश्वास नहीं हो रहा ना। इस वाले सवाल को भी दिमाग से करके देखते हैं चुटकियों में। देखो ध्यान से 32 12, ध्यान से देखो, बहुत तेजी के साथ होगा। आप देखा, देखो 2 3 4 4 लिख दिया मन में, 4 4 लिख दिया साइड में। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 6 1 2 2, 6 और 2 8, 3 1 3 384। सिंपल, बचपन वाला तरीका छोड़ो, उसमें आप बहुत फंस जाते हो और टाइम बर्बाद होता है। इसको अपनाओ, इससे हम बड़े बड़े सवालों को भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ बड़े सवाल, लेते हैं और उनको भी हम चुटकियों में करेंगे। कुछ क्वेश्चन बड़े लेते हैं, चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने लिया 52 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, ध्यान से देखो इधर। मान लो मैंने लिया 52 मल्टीप्लाई बाई 15, तो मैं वही स्टेप लेकर चलूंगा, सेम स्टेप, 5 की 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 2 10। अब 10 तो लिखा नहीं जाएगा, 0 लिखा जाएगा ना, 1 का जाएगा हासिल में। फिर वही मेथड, 5 पूरे 25, 1 2 2 25 और 2, समझ रहे हो, 5 पूरे 25 और 1 2 2, तो 25 और 2 कितने हो गए 27, और 27 में 1 जुड़ गया, वो भी हासिल का, तो 28 हो गया। अब 8 यहाँ लिखा जाएगा, 2 कहाँ जाएगा हासिल में, हासिल लिख लिया यहाँ पे। लास्ट स्टेप इनकी मल्टीप्लाई, तो 5 1 5, और 5 में जो हासिल जुड़ा 2, तो 5 और 2 हो गए 7। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, हार्ड से हार्ड। मान लो आपकी नज़र में हार्ड से हार्ड है, वो मैंने लिया 98 और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी मान लो 66 की, ठीक है। चलो देखते हैं, 8 6 48 8 लिखा, अब मैं स्पीड से करता हूँ, 8 6 48 8 लिखा 4 हासिल का, उसके बाद यहाँ पे बढ़े 9 6 54 9 6 54, 8 6 48 8 6 48, जोड़ने का तरीका फर्स्ट वीडियो में ध्यान से देखे, देखिए दुनिया का विस्फोटक तरीका, बड़े प्यार से जोड़ दोगे, 5 4 9 और 8 4 12, तो ये हो गया 102, तो यहाँ पे 102 आ गया। ध्यान देने वाली बात, जब मैंने 8 6 48 करा 8 आया और 4 हासिल का भी तो है, और यहाँ पे 9 6 54 6 8 48 ये कर दिया, जोड़ के आ गया 102, जोड़ना है तो उसमें हासिल भी तो जुड़ेगा, और 102 में जब 4 जुड़ेगा तो 106 हो जाएगा ना, तो उस 6 को मैं यहाँ लिख दूंगा, और 10 कहाँ जाएगा हासिल में। समझ पा रहे हो।
अब लास्ट स्टेप नौ छक्की 54 और 54 में जुड़ गया 10, सिंपल। तो 54 में जब 10 जुड़ा तो 64 हो गया। तो 98 की और 66 की मल्टीप्लाई कितनी तेजी से आपने कर दी एक ही स्टेप में, दूसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं है। कितना आसान मेथड है, 10 सेकंड में कर सकते हो बिना पेन के, 5 सेकंड में, आधा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करो बचपन से, जब 15-20 साल से बचपन वाला प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर तुम इसके 15-20 क्वेश्चन भी करोगे ना, 15-20 क्वेश्चन, तो 10 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आ जाओगे। 15 साल की जरूरत नहीं है, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करो आप, इसी टाइप से नए मेथड आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ सोबी सर की ज्ञानशाला में। लेकिन उससे पहले शेयर करना बहुत जरूरी है, लड़कों का फायदा होना चाहिए। देखो हमारा यहाँ पे न्यू मेथड लाने का मकसद यह है कि बच्चों का फायदा हो, स्कूल लाइफ में, कंपटीशन लाइफ में, हर जगह फायदा हो। तो इसलिए आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। कमेंट भी दीजिए, कमेंट से डाउट आएंगे, डाउट को सॉल्यूशन देंगे। समझ पा रहे हो, कमेंट भी दो, शेयर के साथ कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सोबी सर की ज्ञानशाला में, मतलब आपकी ज्ञानशाला में। जय हिंद।